हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। फ्रेंड्स, यहाँ पे होम साइंस की क्लासेस चलती हैं और होम साइंस रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो उसके नोट्स दिए जाते हैं, चाहे आपका नेट का नोट्स हो, न्यूज़ सिलेबस बेस, ठीक है, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड, TGT, PGT, LT ग्रेड, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन हो सभी के नोट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8052731316। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब समय बहुत कम है और मेहनत ज़्यादा करनी है। अगर आपको नेट का पेपर निकालना है तो इस समय अपना कीमती वक्त बिल्कुल बर्बाद ना करें और बिल्कुल ध्यान से, अच्छे मन से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत जल्दी जा रहा है। ठीक है, तो आज का मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो है खाद पैकेजिंग। ठीक है, तो हम लोग खाद पैकेजिंग के पढ़ने से पहले पैकेजिंग होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पैकेजिंग का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है, मेरे को परिभाषा भी मिल गई तो मैंने कहा परिभाषा भी बता दूं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, हर दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, कहीं पूछ लिया तो, क्योंकि नेट का जो पेपर होता है वो हाई लेवल का होता है, ठीक है, पेपर तो उसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो सब पढ़ के जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पैकेजिंग का अर्थ एवं परिभाषा। पहले हम लोग पैकेजिंग क्या होती है सिंपल भाषा में समझ लेंगे, फिर हम लोग खाद पैकेजिंग के बारे में जान लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पैकेजिंग का अर्थ है किसी वस्तु को किसी में बंद करना व ढकने की क्रिया से। ठीक है, क्या होता है जो पैकेजिंग होती है, देखो हम लोग चिप्स लेने जाते हैं, अंकल चिप्स वगैरह, तो पैकेजिंग ही तो होती है, एक पैक होता है उसके अंदर चिप्स पैक रहते हैं अच्छी तरह से, जैसे गंदे अंदे नहीं होते हैं ना, वो एक पैकेजिंग ही तो है। चिप्स के ऊपर जो रैप होता है वो पैकेजिंग ही तो है। तो पैकेजिंग का अर्थ है किसी वस्तु को किसी में बंद करने व ढकने की क्रिया से, सिंपल भाषा, ताकि वह सुरक्षित रह सके, ठीक है, एवं एक स्थान से दूसरे स्थान से पर आसानी से ले जा सके। पैकेजिंग वह प्रक्रिया है जो किसी उत्पाद को रखने, लपेटने व आच्छादित करने, किसी पात्र की संकल्पना या रचना करने के संबंध में रखते हैं। ठीक है, सीधी बात आप सीधी लैंग्वेज समझ लो, किसी वस्तु को बंद करने या ढकने की प्रक्रिया जिससे वह सुरक्षित रहे। ठीक है, सीधे आप अंकल चिप्स, कुरकुरे वगैरह देख लो, या सोन पापड़ी, हल्दीराम की सोन पापड़ी भी बहुत अच्छी पैकेजिंग में आती है ना, है ना, गिरती नहीं है, ख़राब नहीं होती, मिट्टी धूल मिट्टी नहीं लगती, इसलिए आराम से सामान को हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, वो पैकेजिंग, ठीक समझ रहे हो ना, बस इतना दिमाग में रखो और कुछ नहीं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पैकेजिंग को और क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहीं पूछ लिया तो, या इन्होंने ऐसे करके पूछ लिया तो, संवेष्टन। ठीक है, पैकेजिंग को और क्या, किस नाम से जानते हैं, संवेष्टन। आपको मैं नई नई चीज़ें बताऊंगी जो कोई नहीं बताता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। फिर स्टेंटन के अनुसार पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग में सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी उत्पाद के लिए पात्र या डिब्बे या आवरण का डिजाइन तैयार करने तथा उसका निर्माण करने हेतु की जाती हैं। ठीक है, प्रोफेसर R.S. डावर के अनुसार पैकेजिंग वह कला या विज्ञान है जो एक उत्पाद को किसी कंटेनर में, कंटेनर तो आप सभी जानते हो, एक डिब्बा, कोई भी कंटेनर हो, ठीक है, उसमें ढक्कन भी हो, ठीक है, कंटेनर में बंद करने, या अरे सोन पापड़ी देखते हो ना, तो एक कंटेनर ही होता है सोन पापड़ी, एक प्लास्टिक के डिब्बे में हल्दीराम की आती है, वो कंटेनर ही का एक रूप है। ठीक है, या कंटेनर को उत्पाद के पैकिंग के उपयुक्त बनाने हेतु सामग्री, विधियों, उपकरणों के विकास एवं उपयोग से संबंधित है, ताकि वितरण विभिन्न अवस्थाओं के दौरान उत्पाद पूर्णता सुरक्षित रहे। तो प्रोफेसर R.S. डावर के अनुसार क्या है, पैकेजिंग वह कला या विज्ञान है, पूछ सकते हैं ये परिभाषा किसकी है। ओके, पैकेजिंग वह कला या विज्ञान है जो एक उत्पाद का किसी कंटेनर में बंद करने या कंटेनर को उत्पाद के पैकिंग
के उपयुक्त बनाने हेतु सामग्रियों, विधियों, उपकरणों के विकास तथा उपयोग से संबंधित है, ताकि वितरण की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान उत्पाद पूर्णता सुरक्षित रहे। ठीक है, फिर है, इस प्रकार पैकेजिंग में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी उत्पाद के लिए किसी पात्र या डिब्बे या आवरण की रूपरेखा बनाना था उसका निर्माण करने से संबंध रखती है। तो क्या पैकेजिंग में वो सभी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं जो किसी भी उत्पाद के लिए किसी पात्र या डिब्बे या आवरण की रूपरेखा बनाने या उसका निर्माण करने से संबंध रखती है। ऐसे पात्र, डिब्बे या आवरण का निर्माण लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, कागज, कांच व किसी अन्य पदार्थ से किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हल्दीराम के रसगुल्ले भी होते हैं तो वो भी प्लास्टिक के डिब्बे में, सफ़ेद रसगुल्ले, काले रसगुल्ले, वो भी कितने कि ख़राब भी ना हो मटेरियल, जो रसगुल्ला ख़राब भी ना हो, गंदा भी ना हो और ले जाने में आसानी रहे। तो आपने देखे होंगे ना, तो ये सब पैकेजिंग है। चिप्स का देखा है ना, वो प्लास्टिक के पन्नी की होती से पैक करके आता है कुरकुरा, आपकी हल्दीराम की सोन पापड़ी देख लीजिए, ठीक है, केक, वेज केक वगैरह देख लीजिए, ठीक है, बंद की पैकेजिंग देख लीजिए, ब्रेड की पैकेजिंग देखिए, ये सब क्या है, पैकेजिंग। बस इतना दिमाग में रखिए, पैकेजिंग आपका क्लियर है। ठीक है, पैकेजिंग के कार्य क्या होते हैं, देखिए पैकेजिंग का पहला कार्य है उत्पाद संरक्षण। देखिए सबसे पहले क्या है इसका कार्य है कि धुएं से रक्षा करना, उत्पाद सूखने, उड़ने, प्रदूषित होने से क्या ये करता है, बचाता है और स्वच्छ व ताज़ा बनाए रखता है, ठीक है, उत्पाद को। ठीक है, फिर उत्पाद आकर्षण, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है पैकेजिंग का, उत्पाद आकर्षण। यदि उत्पाद का पैकेजिंग अच्छा और प्रभावी है तो दूर खड़े ग्राहक को क्या करेगा, वो स्वतः ही क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। जैसे देखिए लिपस्टिक वगैरह हो, अच्छी पैकेजिंग में हो तो हम लोग को बहुत अच्छी लगने लगती है, अरे भले उस लिपस्टिक में कुछ ना हो पर उसकी पैकेजिंग बहुत स्टाइलिश हो तो लगता है अरे एडवांस है, ये लिपस्टिक ले लूँ। या हेयर स्प्रे या परफ्यूम वगैरह कुछ अच्छी पैकेजिंग में हो तो हम लोग को क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं ना। तो ठीक, इसी तरह, ठीक है, तो उत्पाद का आकर्षण। फिर उत्पाद हैंडलिंग में सुविधा, मतलब इसका मतलब यह है कि पैकिंग ग्राहकों को उसके लाने, पकड़ने, उठाने और रखने और भंडार करने हेतु सुविधा देना। ठीक है, फिर आता है पहचान में सुविधा। तो क्या आता है पहचान में सुविधा, तो पैकेजिंग उत्पाद को पहचानने में क्या देता है, सुविधा। ग्राहक उत्पाद की पैकिंग को देखकर उत्पाद को क्या कर लेता है, आसानी से क्या कर लेता है, पहचान लेता है। जैसे अंकल चिप्स की पैकेजिंग को देख लेंगे तो हमें पता है कि हाँ अरे टमाटो वाले में रेड होता है, ठीक है, तो हम लोग को पता होता है, हाँ तो हम लोग को पता होता है कि टमाटो वाला चिप्स रेड देख के समझ लेते हैं, हाँ ये टमाटो वाला फ्लेवर है। तो क्या होता है, ग्राहक उत्पाद की पैकिंग को देख कर उत्पाद को आसानी से पहचान लेता है। ठीक है, वह अपनी पसंद के उत्पाद का अन्य उत्पादों से क्या कर लेता है, अंतर भी आसानी से कर लेता है। ठीक है, और वह उत्पाद की भीड़ में बिना किसी भ्रम या संदेह के अपने पसंद के जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, आसानी से ले लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मार्ग भेद को स्पष्ट करना। पैकेजिंग का नेक्स्ट कार्य क्या है, अलग अलग मार्ग या ट्रेडमार्क की वस्तुओं को अलग अलग पैकिंग में रख कर मार्ग डिफरेंस होते हैं जो उसको स्पष्ट करना। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें नेक्स्ट आता है इसका सूचना और संप्रेषण। तो इसके माध्यम से क्या होता है, उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री, उसकी गुणवत्ता, उपयोग विधि, उपयोग में सावधानी, मूल निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि आदि के संबंध में सूचना दी जाती है। सूचना संप्रेषण, कब पैकिंग हुई है, कब उसका प्रोडक्ट कितने मंथ तक चलेगा, ख़राब हो जाएगा, कितनी क्या चीज़ कितने मात्रा में प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसके अंदर गुण हैं, ये सब आपने देखा होगा पैकेजिंग जो उसके बाहर जो लेबल लगा होता है उसमें सब लिखा होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है परिवहन व भंडार सुविधा। तो पैकेजिंग का महत्व इसलिए भी है कि यह उत्पाद के परिवहन एवं भंडारण में क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है।
उत्पादों के पैकेजिंग हेतु ऐसे आकार के पात्रों या डिब्बों का निर्माण किया जाता है जिससे कम स्थान में अधिक उत्पादों का क्या किया जाए, परिवहन किया जा सके। ठीक है, फिर आता है गैर मौसमी उत्पादों की सुनिश्चित आपूर्ति। फिर पैकिंग से क्या होता है, जैसे बेमौसम या गैर मौसमी जैसे संतरा, सेब, आम, इनको ऐसे पैक किया जाता है कि वो गैर मौसम में भी उनका लाभ उठाया जा सके। ठीक है, फिर आता है उत्पाद जीवन चक्र का विस्तार। तो उत्पाद का पैकेज उत्पाद के जीवन चक्र का विस्तार कर सकता है, जिस उत्पाद का पैकेज काफ़ी प्रभावी होता है। ठीक है, ग्राहक उसे आसानी से भूल नहीं पाता है। जिस उत्पाद की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, तो ग्राहक उसे आसानी से भूल नहीं पाता। ठीक है, ऐसी पैकेजिंग वाले क्या होते हैं, उत्पादों भीड़ में भी ग्राहक का क्या कर लेते हैं, ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उत्पाद के पैकेजिंग को अधिक आकर्षक और सुविधाजनक एवं पुनः उपयोग में लाने योग बना के उत्पाद की मांग को क्या कराया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उत्पाद की मांग को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेंगे खाद्य पैकेजिंग होता क्या। अभी हम लोगों ने बस जाना बस थोड़ा सा कि पैकेजिंग होता क्या है, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानने जा रहे हैं खाद्य पैकेजिंग क्या है। तो खाद्य पैकेजिंग उस साधन या प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे ताज़ा उत्पाद उत्पादन केंद्र से अंतिम उपभोक्ता तक, मतलब जिसमें ताज़ा उत्पाद ताज़ा प्रोडक्ट उत्पादन जहाँ से उत्पाद हो रहा है वहाँ उस केंद्र से अंतिम उपभोक्ता, मतलब उपभोक्ता तक, जो उस चीज वस्तु का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता तक, जिसको तक सुरक्षित और अच्छी स्थिति में उसके द्वारा वहन किए जा सकने वाले मूल्य पर पहुंचाना। तो जो उस पर जो सामान है उसके जो वहन जो इम्पोर्टेंट मूल्य है उस दिए जा सकने वाले मूल्य पर पहुंचाना, उसका मूल्य अदा करके पहुंचाना। ठीक है, पैकेजिंग विज्ञान कला व प्रौद्योगिकी का संगम है। पैकेजिंग क्या है, विज्ञान कला व प्रौद्योगिकी का संगम है। ठीक है, पैकेजिंग उत्पादन, ठीक है, भंडारण, फिर साज संभाल व वितरण, फुटकर बिक्री व अंतिम उपयोग का अभिन्न अंग है। पैकेजिंग को उत्पादन का अंतिम चरण लेकिन बाजार में निवेश का प्रथम चरण माना गया। इम्पोर्टेंट लाइन, पैकेजिंग को उत्पादन का क्या, अंतिम चरण लेकिन बाजार में निवेश का प्रथम चरण माना गया, इम्पोर्टेंट। फिर आपका आता है 3P क्या है। तो पैकेजिंग के कार्यों में परिरक्षण, सुरक्षा, प्रस्तुतिकरण जैसे 3 चरण सम्मिलित होते हैं। क्या क्या, परिरक्षण, सुरक्षा और प्रस्तुतिकरण, ये क्या है, यही 3P है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाए तो गलत करके मत आ जाइएगा। 3P क्या है, पैकेजिंग के कार्यों में 3P क्या है इम्पोर्टेंट, तो परिरक्षण, सुरक्षा, प्रस्तुतिकरण, ये 3P है, पी है। ठीक है, जैसे 3 चरण सम्मिलित हैं, ये तीनों चरण 3P यानी उपभोक्ता उत्पादों पर लागू होते हैं तथा भी औद्योगिक उत्पाद में भी इनकी भूमिका क्या है, गौर है, याद रखिएगा 3P। पैकेजिंग के 2 मूल उद्देश्य होते हैं, पैकेजिंग से 2 मूल उद्देश्य होते हैं, एक विपणन और दूसरा है संभार तंत्र की पूर्ति। संभार तंत्र क्या होता है, तो वस्तुओं, सूचना, ऊर्जा व अन्य संसाधनों को उनके उत्पत्ति स्थान से लेकर, वस्तुओं, सूचना, ऊर्जा व अन्य संसाधनों को उनके उत्पत्ति स्थान से लेकर उपभोग के स्थान तक आवागमन करने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं, संभार तंत्र। ठीक है, विपणन, तो पैकेजिंग के 2 मूल उद्देश्य हैं, एक विपणन और दूसरा है संभार तंत्र की पूर्ति करना। फिर विपणन कार्यों से, तो उपभोक्ता को उत्पादन उत्पाद के संबंध में सूचना मिलती है। विपणन के कार्यों से क्या पैकेजिंग का लाभ होता है, ठीक है, तो उपभोक्ता को उत्पाद के संबंध में सूचना मिलती है, आकर्षण ग्राफिक
व छपाई से उत्पाद को बढ़ावा मिलता है। ये विपणन के कार्यों से पैकेजिंग को क्या लाभ मिलता है ये बताया जा रहा है। यह संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है और यह एक मुख्य विक्रेता तथा कंपनी व उपभोक्ता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, हमने आपको बताया था 3P पैकेजिंग के कार्यों में 3P बताया था। ये परिरक्षण क्या होता है? तो परिरक्षण में हम आपको बता रहे हैं कि परिरक्षण में भोजन जो खाद्य पदार्थ होता है उससे ख़राब नहीं होने दिया जाता है। परिरक्षण के द्वारा उसको ख़राब होने से बचाया जाता है। ठीक है, सुरक्षा तो पता ही है कि सुरक्षा करना, धूल मिट्टी ना लगे, अच्छी तरह रखना, प्रस्तुतिकरण उसका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया हो कि लोगों को आकर्षित कर सके। संभार तंत्र, अभी मैंने बताया ना कि उत्पत्ति स्थान से लेकर उपभोग के स्थान तक के आवागमन के करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? संभार तंत्र। ये हमने सिंपल लैंग्वेज में बताया। तो संभार तंत्र की दृष्टि से पैकेजिंग की भूमिका अंतिम उपभोक्ता को न्यूनतम लागत पर उत्पाद की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करना। तो संभार तंत्र क्या है? पैकेजिंग की भूमिका है जो अंतिम उपभोक्ता को, ठीक है, न्यूनतम लागत पर उत्पाद की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करता है। ठीक है, संभार तंत्र के 6 कार्य होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ लिया जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है आपका। पहला है अंतर्विष्टिकरण। ठीक है, इसका मतलब हुआ अंदर पड़ा हुआ सामान। ठीक है, सुरक्षा। अनुपातीकरण, ठीक है, अनुपात में रखना। एकीकरण, सुविधा और संचार। ठीक है, ये 6 कार्य हैं। पैकेजिंग विभाग को किसी भी FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पैकेजिंग विभाग को किसी भी FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी का केंद्र बिंदु माना जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन। किसी उत्पाद को किसी नए पैकेज में लॉन्च करने के लिए कंपनी के विभिन्न विभागों के बीच में अनवरत अंतर संपर्क की आवश्यकता होती है। ओके, पैकेज को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि इसमें उत्पाद पूर्णतः सुरक्षित रहे, मतलब जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सुरक्षित है, तथा उसकी डिजाइन निम्न तथ्यों पर प्रभावित हो। पहला है मानकीकरण, मतलब एक मानक हो, ठीक है, उसके जो भी प्रोडक्ट है उसका एक मानक होना आवश्यक है। फिर एक मूल और लागत, पैकेज या उत्पाद की अनुकूलनशीलता, सुरक्षात्मक स्तर, मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो सुरक्षित रहे, उत्पाद की पैकेज बंद करने की दृष्टि से उपयोगिता, और जो उत्पाद की पैकेज की जो बंद करेंगे हम अच्छी तरह से, इस मतलब बढ़िया ढंग से उसकी पैकिंग हो, बंद हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो। आज हम लोगों ने पढ़ा खाद्य पैकेजिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पैकेजिंग के प्रकार या घटक, या उसे हम वर्गीकरण भी कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, और वो वीडियो भी आज रात में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें।